वेलकम बैक ख्वातीनों रात। ये खलील साहब, मैंने आपके बारे में एक चीज आज नोटिस की है पहली बार, क्योंकि मैं पहली बार इन पर्सन मिला हूं आपसे, मतलब अप क्लोज। यू हैव गॉट ब्यूटीफुल आईज। ओह माय गॉड, नो सीरियसली, लाइक इफ अगर वो खलील साहब का जो कैमरा है वो थोड़ा बस कर दे, आंखें मैं शर्माऊं? नहीं शर्माए नहीं, आप आंखें यूं खोलें ना, एक सेकंड जूम करें, बड़ा वो मुझे लगा आपने कॉन्टैक्ट्स लगाए हुए हैं। आपकी क्या रंग है ये आंखों का? हेजल ग्रीन आई थिंक। हेजल ग्रीन, बट लाइक इट्स लाइक कि जो आउटर उनकी लेयर है इट्स सम अदर कलर और अंदर से कुछ और है। बड़ी खूबसूरत आंखें हैं आपकी। अगर मैं कोई और होता तो मैं कहता मेरी आंखों में डूबने का दिल चाह रहा है। माशाल्लाह भाई, देखिए आपने खलील साहब की नजर आ रही आंखें हैं, है ना, वो कुछ ऐसा लग रहा है कि बड़ी खूब। अच्छा खलील साहब, ये कास्टिंग वाला जो हम आगे भी डिस्कस कर रहे थे, आपकी मर्जी के बगैर आपके ड्रामों की कास्टिंग नहीं हो सकती। इमान अली मेरे शो पे आई थी अभी रिसेंटली, वो कोई बात निकली थी, पंजाब नहीं जाऊंगा मैं, कुछ काम कास्टिंग का था, वो थी, उन्होंने कहा मैंने छोड़ दी। मैंने कहा आपको खलील साहब ने निकाला, उन्होंने कहा नहीं, मतलब बैठ डे खलील साहब, याद है आपको ऐसा कुछ हुआ? पता क्या मैं कहता हूँ, मोहब्बतें ना भी रहे तो भरम रहने देते हैं। इट इज सिंपली इम्पॉसिबल। देखो मैं कोई ये तूरमे खान नहीं बनना चाहता, मैं अभी भी आपको जिक्र कर रहा था। अगर आप तसव्वुर कर सकते हैं ना, ये ख्वाब में भी, कि आप मेरी फिल्म कर लेंगी विदाउट माय कॉन्सेंट, तो दैट इज अ फुलिश ड्रीम। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, शी इज माशाल्लाह वेरी प्रिटी गर्ल, लेकिन मेरे वो किसी काम के हवाले से कभी मेरे लिए जरूरत नहीं थी वो। अच्छा, तो वो होती तो शायद मैं, बट शी सेड शी वाज साइंड ऑन। वो नदीम बेग साहब ने उनको कहीं कर लिया, मुझे खबर मिली लाहौर में, तो मेरी बेटी ने आके मुझे बताया, एंड शी वाज सो अपसेट, हाउ कुड इट हैपन। मैंने कहा नहीं नहीं है, मैं सोशल मीडिया झूठी खबर होगी, देखा पूछे। तो मैंने हुमायूं को फ़ोन किया, हुमायूं ने कहा खलील साहब वो नदीम ने उसके साथ को बात की है। एंड आई नेक्स्ट डे आई केम कराची। अच्छा, और फिर वो जो नदीम को साथ हुआ वो बुला के पूछे उससे जरा। देखिए वो शी वाज नेवर फॉर पंजाब नहीं जाऊंगी। सो यू आर सेइंग कि यू टुक दैट कॉल एंड देन इमान वाज रिमूव्ड फ्रॉम पंजाब नहीं जाऊंगी। बस कर दें यार हसन, ये बता देना वो, क्योंकि इमान मेरे शो पे कह के गई है, तो अब ऑन माय डेथ बेड हो सकती थी वो पंजाब नहीं जाऊंगी की हीरोइन। अच्छा तो ठीक है, मतलब आप बाद में बातें कर रहे, फिल्म हिट हो जाए जो मर्जी कहे कोई, उसे क्या। रिसेंटली यू सेड यू डोंट वांट टू वर्क विद महविश आल्सो। उन्हें वो मजाक में कहा। अच्छा, मजाक था वो, शुक्र है यार। महविश इज वेरी डियर एक्ट्रेस। हां वो बड़ा, उस पे भी एक बात हुई, वो मैंने हुमायूं के बारे में एक दिन कह दिया, उसका भी रात को फोन आ गया, ये क्या बोला तुमने। मैंने कहा तू इतनी बातें बोल लेता है। मैंने कभी कहा है तुम्हें कुछ? ठीक है, सो ऑल इज वेल बिटवीन यू एंड महविश ऑफ कोर्स। हां आई रिस्पेक्ट हर, शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस। ठीक है, शी हैज डन माय थिंग्स सो वंडरफुली वेल कि मैं उसको भूल ही नहीं सकता कभी। ठीक है, और मंटो में भी सज्जल इज लॉक्ड, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खलील साहब, हमारा जो अगला सेगमेंट है इसका नाम है डेंजर डेक। एसेंशियली इट्स अ रैपिड फायर क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट, एंड नोइंग यू आप तो रैपिडली जवाब देंगे ही, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और बस आपने उनके रैपिडली जवाब देने। आई ट्राई। किसी इंसान की पहचान करनी हो तो उसे कैसे आजमाया जाए? उसको 3 पैग लगाओ। मैं गारंटी करता हूँ। ठीक है, कोई हलाल तरीका नहीं है? हलाल तरीका नहीं है, वो बहुत लंबा है। वो सियानों ने कहा कि उसके साथ सफर करें या कारोबार करें, दैट इज द सिंपलेस्ट वे। ठीक है, रिश्ते को निभाने के लिए दो लोगों में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? मोहब्बत। मोहब्बत के पास हर दरवाजे को खोलने की कुंजी है। ठीक है, अगर आपको चूज करने का मौका दिया जाए आपके लिखे ड्रामास में से, तो वो कौन सा एक ड्रामा होगा जो आप रीशूट करवाना पसंद करेंगे नई कास्टिंग के साथ? हाँ, मेरा खून हुआ था उस ड्रामे में, मेरा खून हुआ था। उसको आप रीशूट कराना चाहेंगे? एब्सोल्युटली, आई वुड लव टू। उसकी कास्ट में कौन था? छोड़ दीजिए, हम गूगल कर लेंगे। आपकी जिंदगी का हसीन तरीन लम्हा कौन सा था? जब मैंने नेशनल बैंक रिजाइन करने के लिए गया था। अच्छा, या दैट वाज अ ब्यूटीफुल डे ऑफ माय लाइफ आई टेल यू। ओके, शदीद गुस्से में आपका कोई जुमला जो अक्सर बोलते हो? शट अप। शट अप, एक बार बोल के तो दिखाएं गुस्से में। शट अप। इन जुमलों को मुकम्मल करें। दोस्ती वही है जो जो वक्त पर काम आए। बीवी के साथ? बीवी के साथ अल्टीमेट सरेंडर के साथ रहिए। शोहर घर के बाहर? मर्द होना चाहिए, घर के अंदर नहीं। घर वहां लो जहां
जहाँ अफोर्ड कर सकते हो भाई। पैसे से कुछ आजकल तो सब कुछ मिल जाता भाई। किराए का घर, अल्लाह लोगों को इससे महफूज रखे। सच्चे दोस्त की क्या निशानी है? मैंने एक इस पर मैं नाइन्थ क्लास में मैंने लिखा, एक डायरी लिख रहा था, उसमें एक इक्तबास लिखा था मैंने कि मैं एक ही वक्त में खुदा और दोस्त को ढूंढने निकला। सोचा खुदा अगर पहले मिल गया तो उसके साथ मिलकर दोस्त को ढूंढूंगा। हुआ ये कि दोस्त पहले मिल गया और खुदा को ढूंढने की जरूरत ही नहीं रही। अरे क्या बात। अपने ट्रोल्स को एक बात कहनी है तो वो क्या कहेंगे? अपने ट्रोल्स को I love them all. They'll understand one fine morning, inshallah, and they'll phone me and tell me they were wrong. ठीक है भाई, तालियां खलील साहब के लिए। एक दो सवाल है, मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं एक सवाल और लूंगा। चलें, इन एक्टर्स पे अगर किताब लिखी जाए तो क्या टाइटल होगा? सबा कमर। कभी भी नहीं लिखूंगा। कभी भी नहीं लिखेंगे किताब? तो वो वजह बताना पसंद करेंगे? अभी मैंने लक्स अवार्ड में उसकी ड्रेसिंग देखी है। आई एम सो सॉरी। क्या? अभी मैंने लक्स अवार्ड में उसकी ड्रेसिंग देखी, उसके बाद मेरा दिल उचाट हो गया। अच्छा ठीक है। आयजा खान। मोहब्बत, मैं उसकी छोटी बहन कहता हूँ, बट शी इज सो लवेबल अ गर्ल। ठीक है। वंडरफुल एक्ट्रेस। सोनिया हुसैन। नफरत नहीं, नहीं सोनिया से दोस्ती है। मैं उसके लिए आई चूज अ टाइटल फ्लॉ। ठीक है। मैं भी शहाद। एहतराम। ठीक है। और महरा खान। खुश रहो। खुश रहो। तालियां भाई, तालियां।